गोगवाड़ी जी, क्या बात हुई है, किस तरह का आपको लगता है कोई षड्यंत्र है जिसके जरिए आपको कल जो खबर चली है राष्ट्रीय चैनल पर? ये जो आज तक वालों ने दिखाया था, मैंने कल भी सवाल किया था भी आप ये दिखा दो भी मेरे से वो जो स्टिंग कर रहा था उसने क्वेश्चन क्या किया था। उसने क्वेश्चन ये किया था कि हम औरंगजेब पे फिल्म बनाना चाह रहे हैं और उसमें आपकी मदद चाहिए। वो क्वेश्चन दिखा दे, पूरा वीडियो दिखा दे, कोई आपत्ति नहीं। वो तोड़ मरोड़ के एडिटिंग करके दिखा रहे हैं, उसका विरोध किया हमने। हम आज तक चैनल के जो भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ वो पूरा वीडियो दिखा दें। उसने सवाल मेरे से क्या किया था वो दिखा दो, जनता को पता चल जाएगा ओरिजिनलिटी क्या है। इस पद्मावती फिल्म का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, 1% भी इस स्टिंग से। और ये सिर्फ औरंगजेब पे फिल्म बनाने की बात थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए थे उसके उसकी एवज में मैंने कहा था मुंबई में वो उमेद सिंह जी रहते हैं उनसे आप संपर्क कर लेना। उन्होंने वो गार्ड्स मांगे थे 200 गार्ड, उन्हें 50 तो राइफलदारी और 150 बाउंसर टाइप के, उनकी पेमेंट की 1.5 करोड़ की बात हुई थी। उन्होंने कहा हम 50 लाख दे सकते हैं, 1.5 करोड़ नहीं दे सकते। वो वापिस आ गए, ना किसी ने कोई लेन देन किया, 1 रुपये का भी लेन देन होया हो तो बताओ, या सुखदेव सिंह ने ये कहा हो भी तुम उसको 10 रुपये दे देना या 1.5 करोड़ दे देना या 1.5 लाख दे देना। मैंने पैसे का तो कहीं मेरी जुबान में नाम ही नहीं लिया, सिर्फ औरंगजेब पे फिल्म बनाने की ये बात थी। और आज तक से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरे से सवाल किया गया था उसने आके मेरे से सवाल किया था वो आप दिखा दो, जनता को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इसमें मानहानि का मुकदमा हम और चैनल्स हैं दो, एक तो आज तक और एक वो इंडिया टुडे, उन दोनों पे मुकदमा दर्ज करा रहे और मानहानि का मुकदमा दर्ज करा रहे। मैं तो कार्रवाई करवा रहा हूँ, पूरे देश से जो करनी सैनिक हैं उनके भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, पूरे देश से 14 प्रदेशों के अंदर मुकदमे दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। वकील अभी घंटा आधी घंटे में अभी बैठ के हमारी वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, उससे वार्ता होगी और मुकदमा निश्चित तौर से दर्ज करवा रहे हैं। ये बात पे है ना कि अभी पिछली बार जो कालू साहब ने समझौता कर लिया तो आधी ये तो जब मर जाए पैसे लेके कर लेते हैं, आप लगा इसमें पैसों का जिक्र भी है कालू साहब वाली बात में? भाई कालवी साहब वाले पैसे लिए या नहीं लिए मैंने नहीं देखा, मार्केट में ये चलती है भाई, समझौता एक्सप्रेस है कालवी साहब, मार्केट में ये चलता है, हर काम में समझौता कर लेते हैं, मार्केट में ये चलती है, मैंने नहीं देखा। वो मेरे पूर्वज आज मेरे वो बुजुर्ग हैं। उस वीडियो में आपने कहा था वो सुना दिया है मैंने, उसमें ये कहा था वो लेते हैं या नहीं लेते, मार्केट में ये बात चलती है, मैं भी सुनता हूँ पर मैंने लेते हुए नहीं देखा उनको, ये बात बोली थी। कहा था आपने कि ये पैसे लेके समझौता कर लेते हैं? भाई कर लेते होंगे, ये मार्केट में चलती है भाई, समझौता एक्सप्रेस है वो पैसे लेके कर लेते हैं, मैंने उनको लेते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन ये आज तक जो चैनल है आपके करेगा ये आज तक या तो कोई सरकार के नुमाइंदे वो मिले हुए या फिर बंसाली जी चाहते होंगे भाई, ये एक आदमी सिंगल पूरे भारत में विरोध करने वाला तो ये एक है।